वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड रिंग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और हर हर दूसरे मोड़ पे आपको पुलिस वैन और पुलिस मिलेगा। मैडम तो बहुत खुश दिख रहे हैं आज, छुट्टी हो गया ना, छुट्टी के बाद तो सभी खुशी देखते हैं। पीछे छुप गए हाँ जी। इसीलिए देरा बार दुबई ये जो एरियाज है ना, यहाँ पे आने के लिए हाथ में टाइम चाहिए आपको, मेट्रो ही बेस्ट होता है, ना ट्रैफिक। तो फाइनली हम गोलसुख तक पहुंच ही गए, पर अभी भी पार्किंग वगैरह तो नहीं मिला। बहुत बहुत ही बिजी रोड है। ये रहा दुबई सिटी ऑफ गोल्ड, गोलसुख का एक और एंट्रेंस, ये गेट टू है। और भी शायद और भी बहुत सारे एंट्रेंस होंगे, आज चारों साइड में गेट है। हाँ, बहुत सारे एंट्रेंस है। तो ये रहा गेट टू। देखो आपको कोई भी अपना इंडियन सिटी के जैसा फीलिंग हो रहा है कि नहीं? एक्सीलेटर से ज़्यादा ब्रेक दबाना पड़ता है, इंडियन ट्रैफिक सेम यहीं पे है। तो फाइनली आधा घंटा घूमने के बाद हमें पार्किंग मिला। कहाँ पे पार्किंग मिला वो जगह थोड़ा कैमरा में रिकॉर्ड कर लेते हैं, नहीं तो बाद में नहीं मिलेंगे गाड़ी। तो पार्किंग यहाँ पे पेड पार्किंग है, तो टिकट पे करना पड़ेगा। हाफ आवर्स 2 dirham, एक घंटा 4 dirham, दो घंटा 8 dirham।
तो अभी 2 घंटे के लिए पार्किंग डाल देते हैं, मालूम नहीं कितना टाइम लगेगा। तो टिकट मिल गए, 2 घंटे का वैलिडिटी। तो क्या ऑर्डर किया आपने? 2 फ्रेश मिल्की और 2 चिकन समोसा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश मिल्की बहुत चीप है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं दुबई गोल्ड सुप के सामने। हमने कम से कम 2 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्किंग मिला है, वहाँ पे पार्किंग करके इतना दूर चल के आ गए। अभी जाते हैं अंदर फिर। दुबई गोल्ड सुप गेट नंबर 2। पहले ये जगह कितना कंजस्टेड होता था, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होता था। पर अब भी मैं बोलूँगा कि दुबई गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा कि यहाँ पे अच्छे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है। सब जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो रहा है, सब लोगों को देख पा रहे हैं कि वो लोग मास्क भी पहन रहे हैं और ये एक्चुअली अच्छी बात है कि लोग अवेयर हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड रिंग है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे। वेलकम मूवी में इसके साथ शूटिंग है। वेलकम बैक में। फाइनली हमारा गोल शो घूमना खत्म हुआ, सब जगह अच्छे से परिक्रमा कर ली। लिया कुछ नहीं क्योंकि इस टाइम पे लेना मतलब बेवकूफ़ी होगा, तो हमने कुछ लिया नहीं है। पर हमने पूरी जगह घूम ली अच्छे से, देखा कहाँ क्या प्राइस चल रहा है, अभी मेकिंग चार्जेस कैसे चल रहे हैं, कौन सा मतलब कोई दुकान भी बिजी नहीं है, मतलब लोग ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं। पर अच्छा लगा कि ये इतना क्राउडेड जगह होने के बावजूद बहुत सेफ़ है एंड सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और हर दूसरे मोड़ पर आपको पुलिस वैन और पुलिस मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस सिचुएशन में पुलिस मतलब हम पे इतना ज़्यादा नज़र रख रहे हैं कि हम लोग पूरे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हम अपना ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर खुद का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, मास्क पहने रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बी सेफ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलते हैं घर। सी यू, बाय बाय।